अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो बिल्कुल के जहां में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो यहां पे देखिए हमारा बेबी यहां पे सोया है। तो वो कर रहा है बातें, तो अभी मैं घर का काम करूँगी, उसको कुरान पढ़ने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी आमिर गया है स्कूल, अभी माहिन भी स्कूल से आएगी, तो सुबह ही गई थी स्कूल को, तो भी बहुत सारा काम है। आज पापड़ भी बनाने का है मुझे, ऊपर जाके थोड़े पापड़ बनाऊंगी। माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकल रही है हमारे घर पे, यहाँ पे हमारे गांव में, तो इसलिए अभी मैं पापड़ बनाऊंगी। तो उनको पापड़ की रेसिपी भी बताऊंगी और सूखने के बाद हमारे पापड़ कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगी, और हमारे पापड़ तलने के बाद कैसे होते हैं वो भी बताऊँगी, टेस्टी पापड़। तो बहुत ईजी है पापड़ बनाना, तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ पापड़। और पहले तो मैं सबसे पहले मैं कर लूँगी घर का काम, तो उसके बाद अभी यहाँ पे मैं बेबी को थोड़ा लेके सुलाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आयशा आई है। आयशा सलाम कर। तो आज जुम्मा है, तो आयशा आई है। यहाँ पे क्या नाम, ये देखो क्या है। तो यहाँ पे बर्तन रखी हूँ धोने के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पापड़ काटा। तो यहाँ पे मैं ली हूँ नमक और सोडा थोड़ा, और यहाँ पे है जीरा और ये है रवा, तो इतना ही बस यूज़ होगा। तो अभी मुझे ये पापड़ मैं आटा बनाने के बाद पहला पापड़ बनाऊंगी, उसके बाद घर क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पापड़ का आटा रेडी कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अम्मी के घर से मंकेल आई है, अनम लेके आई है, तो मैं फ़ोन लगा के बोली थी पापड़ भाने की पाकिट दे के भेजो करके। तो यहाँ पे हमारा पानी अभी नहीं पक रहा, तो इसमें जीरा और नमक और सोडा डाली हूँ। पानी पकने के बाद ये रवा डालूँगी, उतना ही, ज़्यादा कुछ भाते नहीं इसमें, बस उतना ही, सिंपल है। माशाल्लाह बहुत अच्छे टेस्टी होंगे वो पापड़। तो देखिए ये पकने के बाद मैं रवा डाल के ऊपर ले जाऊंगी, तो चलिए ऊपर डाल के आते हैं ये पकने के बाद। फ्रेंड्स हमारा पानी पक रहा है तो पापड़ का, तो अभी मैं इसमें रवा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाऊंगी, तो हिलाकर पकने के बाद इसको ऊपर ले जाऊंगी। फ्रेंड्स मैं ऊपर आई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पे लेके आई हूँ बना हुआ आटा। तो अभी मैं बनाऊँगी जल्द से जल्द पापड़ बना के नीचे जाऊँगी, बहुत धूप है और यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पूरे पापड़ रेडी है, यहाँ पे अब सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा पूरा ख़त्म, तो चलिए अभी ये पापड़ सूखने देते हैं। तो अभी मैं सारा काम कर लूँगी, और जुम्मा है तो अभी नमाज भी है पढ़ने का, तो चलिए अभी मैं नीचे जा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं नीचे, तो अभी मैं भी जा रही हूँ नीचे। तो बहुत ज़्यादा धूप भी है देखिए बाहर, और यहाँ पे देखिए माही अनम को तालिब को लेके बैठी है, और यहाँ पे देखिए बच्चे अंदर आए हैं। तो चलिए अभी बच्चों को अभी घर का साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए बेबी सोया है, और यहाँ पे माही पहुँच रही है, लेकिन टेबल आए हैं ये चूल्हा बनाने के लिए, तो अभी ये पानी की हम लोग वहाँ पे डालेंगे, तो चूल्हा यहाँ पे बंधेंगे। दवा पी लो, सोया धूप बहुत है, चूल्हा वहाँ रखो, दे साड़ी जी, लिख रही थी दीवार पर, तो अभी फिलहाल के लिए वो वहां पे रहेगा। तो यहाँ पे झूली बांधे हैं बच्चों को बीच में, तो उसको वहां पे लग रहा था, तो इसलिए, तो वैसे तो लग रहा नहीं था, वो पैर मार रहा है, तो उसे लग रहा था सर, तो इसलिए।
भी है चुनी भांग के उसको चुनी में सुनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे अंदर लंच बनाने का है। तो यहाँ पे हमारा चावल है और यहाँ पे देखिए सब कुछ लाए थे हस्बैंड साहब आने के टाइम पे। तो यहाँ पे खीमा और खीर, यहाँ पे देखिए खीमा लाए हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच। तो चलिए कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय हमारी यूट्यूब फैमिली, जुमा मुबारक बिल्किस की जहाँ में आपका स्वागत है। ये देखो ये हमारा लड्डू 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 चुमैया हो गया है, अभी जस्ट उठा है, झीली में सोया था, जो झीली में सोया था, ताली मम्मा मेरा गोलू अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहे हैं खेमे के लुंडे, खेमे के लुंडे का सालन। तो यहाँ पे देखिए लुंडे इस तरह बना के रखी हूँ मैं भी। अभी यहाँ पे हमारा सालन पक रहा है तो अभी इसमें डालूंगी मैं, तो लंच रेडी होगा। तो पहले मैं ये सब होने के बाद अभी मैं नमाज़ पढ़ूंगी और हस्बैंड साहब भी अभी जाएंगे नमाज, तो वो भी जा रहे हैं, मुझे भी नमाज़ पढ़ने का है पूरा लंच वगैरह होने के बाद। तो चलिए आपको बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं फातिहा दिला रही थी तो घर में, तो हस्बैंड साहब अभी नहीं आए तो टाइम हुआ है करके मैं शक्कर और फुटाने रख के फातिहा दिलाई हूँ। मौला मुश्किल खुशा के नाम पे हर जुम्मा दिलाना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ पे देखिए हमारा बीबी यहाँ पे मुझे देख लेता खेल रहा है। तो अभी देख सालन और खाना पक चुका है तो अभी मैं तो चलिए फ्रेंड्स अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं। तो पढ़काने के बाद खाना वगैरह खा लिए, अभी खाना वगैरह तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जाऊँगा 4 बजे अमीन को लेकर के लिए, उसको लेकर के जाऊँगा अपनी ड्यूटी पे, अपनी ड्यूटी पे जाके आऊँगा 9:30 या 10 बजे के अंदर आ जाऊँगा। तो अब इसी तरह हमारा ब्लॉग यहीं एंड होता है, और आप जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारे पुराने हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए आप सबको जुमा मुबारक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं ऊपर पापड़ करने के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर किस तरह होते हैं पापड़, तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं भी काट रही हूँ, सूख गए हैं, परात में डाल के रख दूँगी ऐसा रख। तो यहाँ पर परात में रख ली हूँ काट काट के। तो आपको कैसा लगा हमारा रेसिपी? तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे पापड़ कितने अच्छे हुए हैं माशाल्लाह, 10 रुपये में इतना सारे, 10 रुपये का रवा मंगाई थी मैं तो इतने सारे बने हैं। और थोड़ा रखूँगी मैं इसे सूखने के लिए, तो देखिए माशाल्लाह थोड़े थोड़े कच्चे हैं यहाँ पे, तो इसको सुखाऊँगी। और थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा है देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप है। तो मई और अनम दोनों मिल के बनाए हैं, हमारी मेहनत रंग लाई ने ना, ये नहीं ये किसी, छोड़ो मत तोड़ो, मत तोड़ो ना को। तो अभी इसको सूखने के लिए रख दूँगी, डालो उसमें एक साइड। तो फ्रेंड्स मैं भूल गई थी आगे मुझे पापड़ तलने का भी ब्लॉग डालने का था, तो इसलिए मैं फिर से कैमरा उठाई, पापड़ को शाम में लेकर और नीचे आई। तो लेकर आके यहाँ पे देखिए मैं आपको सामने तल के भी दिखा रही हूँ पापड़, इतने यम्मी, इतने माशाल्लाह, इतने अच्छे टेस्टी हुए थे। आप भी मैं जैसे बताई हूँ वैसे ट्राई करेंगे तो सेम ऐसे ही बनेंगे। तो चलिए अभी हस्बैंड साहब को टेस्ट कराते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अभी तो मैं नहीं दी, तो अभी जस्ट आपके सामने ही बना रही हूँ, सूख के माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं। देखिए हमारे पापड़ माशाल्लाह इतने टेस्टी हुए हैं, तो अभी हस्बैंड साहब को टेस्ट कराती हूँ। तो चलिए जी टेस्ट कर को बोलो। अरे एक ही दिन पापड़ रेडी बनाने का भी खाने का भी एक ही दिन में, जल्दी बोलो। यम्मी यम्मी माशाल्लाह अच्छे कोई स्पाइस देखेंगे आप भी सो बनाइए शाम में खाइए, माशाल्लाह बहुत टेस्टी हुए हैं फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।